हेलो एवरीवन वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इट्स अ डे 63 ऑफ माय वेट लॉस जर्नी और आज का वेट है 49.6 पहले से ये थोड़ा सा कम है 49.9 आ रहा था पहले तो आज ब्रेकफास्ट में है ओट्स एकदम सिंपल सी रेसिपी है जिसमें मैंने मैंगो डाला है ऊपर से मैंगो मैंने कम से कम ये एक स्लाइस मैंगो की ली है साथ में ही सीड्स डाले हैं सीड्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं आपके वेट लॉस के लिए भी और आपको हेल्दी फैट प्रोवाइड करते हैं प्रोटीन प्रोवाइड करते हैं जिनको भी हॉर्मोनल इम्बेलेंस का प्रॉब्लम होता है पी सी या पी की प्रॉब्लम है उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है ये और सीड्स यहाँ पर पम्पकिन सीड फ्लैक्स सीड्स और सनफ्लावर सीड्स लिए हैं मैंने मैंगो मैंने हाफ मैंगो भी नहीं यूज़ किया है ये सिर्फ एक स्लाइस मैंगो की है तो मैंगो वीट गेन करता है ऐसा लोग बोलते हैं लेकिन मैं ये चीज़ नहीं मानती हूँ क्योंकि मैंगो एक पूरे 100 ग्राम मैंगो में कुछ 0.8 ग्राम फैट होता है तो ये एक तरह से नेग्लिजिबल होता है उसके कंपैरिजन में और रही बात स्वीटनेस की तो जो नेचुरल स्वीटनेस होती है ना फ्रूट्स की वो नुकसान बिल्कुल भी नहीं करती है तो सीजन में जो भी आपके फ्रूट्स वेजिटेबल्स अवेलेबल हैं सब खाओ सब इन्जॉय करो और ओट्स बनाने का तरीका बहुत ही ज़्यादा सिंपल है मैंने ओट्स को पहले रोस्ट कर लिया है उसके बाद उसमें पानी डाल करके इसको अच्छे से पकाती हूँ देन लास्ट में थोड़ा सा मिल्क ऐड करती हूँ एक क्रीमी सा टेक्स्चर देने की है एक और मैं ले रही हूँ ये पेपर बोर्ड का कोका कोकोनट वाटर वैसे तो फ्रेश कोकोनट वाटर ही मैं रिकमेंड करती हूँ क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रिजर्वेटिव वगैरह होते हैं लेकिन अभी मेरे घर पर यही रखा था और इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है इतनी धूप है कि बाहर जाने का बिल्कुल मन नहीं था लेकिन और मेरे घर से बहुत ज़्यादा दूर मिलता है एक्चुअली कोकोनट वाटर तो इस वजह से मैं यही ले रही हूँ अभी फिलहाल तो अगर आप अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं कोकोनट वाटर तो आप जो है फ्रेश ही लेना तो ये कितने एम का है टू हंड्रेड एम एल का है ये और ये कोस्ट करता है फिफ्टी रुपीज़ और ये इतना सा है इससे अच्छा फ्रेश कोकोनट वाटर ज़्यादा हेल्दी भी होगा और इससे तो ज़्यादा ही आ जाएगा फिफ्टी में कर रही हूँ हम अपना तीन बजे तो लंच के लिए मैंने ले ली है काफ़ी सारी दाल थोड़ा सा चावल लिया है मैंने यहाँ पर और प्लेट भी मेरी छोटी ही है साथ ही मैंने सैलड में कुकुम ले लिया है तो कौन कहता है कि दाल मत खाओ चावल मत खाओ रोटी मत खाओ डाइट में यार डाइट ऐसी करो जो आप काफ़ी टाइम तक उसको मेनटेन रख सको चावल रोटी दाल ये सब छोड़ दोगे ना खाना तो मैं सच बता रही हूँ एक दो महीने से ज़्यादा आप डाइट नहीं कर पाओगे क्योंकि ये चीज़ें हम पूरी लाइफ टाइम के लिए नहीं छोड़ सकते और डाइट ऐसी करो कि जो आपके लाइफ में ही आ जाए जो भी मैं डाइट शेयर करती हूँ उसके अंदर सभी खाने की चीज़ें होती हैं लेकिन किस तरीके से मोडरेशन में उन्हें खाना है वो बात है कि किस तरीके से आपको बैलेंस करके अपनी मील खानी है चावल रोटी दाल सब कुछ मैं खाती हूँ और यही सब खा करके ही मैंने अपना चौदह किलो वजन कम किया है पी में पी एक ऐसा प्रॉब्लम है जहाँ पर वेट गेन भी होता है और वेट को कंट्रोल करना भी पड़ता है आपको तो चावल रोटी आप खा सकते हो लेकिन उसकी क्वांटिटी थोड़ी कम कर दो और मील को इस तरीके से बैलेंस करो कि आपको काब्ज भी मिले फाइबर भी मिले और प्रोटीन भी मिले और आपका पेट भी भर जाए तो सेकेंड सर्विंग में मैंने थोड़े से इतू से एक, एक चम्मच चावल ओ ले लिए थे तो अभी शाम के बज रहे थे पाँच और आज पीने का मन था बहुत चाय तो मैंने चाय बना ली अपने लिए आधा कप और इसमें मैंने शुगर वगैरह का यूज़ नहीं किया है हाँ मैं स्टीविया का यूज़ कर रही हूँ जो कि एक नेचुरल स्वीटनर है और साथ ही मैंने दो कुकीज़ ले ली हैं ओट्स की कुकीज़ हैं ये मुझे चाय एकदम फीकी भी नहीं पसंद और बहुत ज़्यादा मीठी भी नहीं पसंद स्टीविया मुझे काफ़ी मीठा लगता है इसलिए मैं एक सैशे भी चार बार यूज़ कर लेती हूँ इसका मुझे इतना मीठा लगता है ये और मैं चाय रोज़ नहीं लेती हूँ अगर आप मुझे पहले से जानते हैं पहले से फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि मैं बहुत ही रेयरली चाय लेती हूँ तभी मैं स्टीविया का यूज़ करती हूँ तो डिनर कर रही हूँ मैं मेरा आठ बजे तो डिनर के लिए आज मैंने पनीर का पराठा बना लिया है थोड़ा तो सा अचार लिया है साथ में ही रायता लिया है ये रायता जो है खीरे का रायता है बस खीरे को कद्दूकस करके दही में मिक्स करना है और साथ में अपने बेसिक मसाले डाल लेने हैं जो भी नमक मिर्च काली मिर्च यही सब जो होता है जीरा पाउडर होता है तो जो पराठा है मैंने बहुत ही ज़्यादा कम ऑयल के साथ बनाया है तो ये मेरी लास्ट मील है दिन की मैं आठ घंटे का ईटिंग पीरियड रखती हूँ सोलह घंटे की फास्टिंग रखती हूँ इंटरमीडेंट फास्टिंग के अंदर मेरे शेड्यूल के अकॉर्डिंग यही हो पाता है कि मैं मेरा पहला मील 11 बारह बजे ले पाती हूँ दिन के और आखिरी मील मैं सात या आठ बजे ले पाती हूँ तो कभी कभी मेरी इंटरमीडियट फास्टिंग आठ घंटे से छः घंटे की भी हो जाती है और एक बात यह है कि अगर आप सुबह दस बजे खा करके रात में छः बजे तक अपना डिनर करके जल्दी सो जाते हैं तो उससे बेस्ट तो क्या ही है मैंने भी कोशिश की थी ये चीज़ करने की लेकिन दो तीन दिन से ज़्यादा नहीं कर पाई क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स आ गए अब तो मेरा उठना बहुत ही ज़्यादा लेट तक होता है डिनर करने के बाद मैं 15 से 20 मिनट वॉक जरूर करती हूँ और वॉक पे से आने के बाद मैं एक घंटे बाद ग्रीन टी ले ले लेती हूँ और इसी के साथ दिन का एंड करती हूँ तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर से लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना आप वीडियो देखते हो लेकिन लाइक नहीं करते तो मिलते आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक टेक केयर बाय बाय